नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। महाराष्ट्र में आए दिन कई सारी खबरें जो है आती रहती है, क्योंकि महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण जो है हर पल बदलते नजर आ रहे हैं। इसी बीच आज सुबह ही खबर आई कि बीजेपी ने अमित ठाकरे को कैबिनेट में शामिल करने की पेशकश की है। इस खबर के बाद राजनीतिक गलियारों में बहस शुरू हो गई, क्योंकि ये जिनका नाम आपको बता रहे हैं ये कोई और नहीं बल्कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बेटे हैं। अब मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने खुद इस बात का खुलासा किया है। राज ठाकरे ने कहा कि यह खबर झूठी और शरारती है। उन्होंने खबर का खंडन करते हुए कहा कि कोई जानबूझकर इस खबर को फैला रहा है और माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि एक अकेले मनसे विधायक ने राज्य में सत्ता परिवर्तन के दौरान राज्य विधानसभा में शिंदे और फडणवीस सरकार के पक्ष में मतदान किया था। इसके बाद से ही मनसे को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चा शुरू हो गई। कहा गया था कि मनसे के दो मंत्री पद दिए जाएंगे, लेकिन मनसे ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। अब अमित ठाकरे का नाम सामने आने के बाद इस बात का खुलासा हुआ है। इस बीच जानकारी सामने आई कि महाराष्ट्र नव निर्माण सेना यानी MNS के प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को शिंदे सरकार में शामिल किया जा सकता है। MNS के युवा नेता अमित ठाकरे कोंकण दौरे पर है और दौरे से पहले उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चा शुरू हो गई है। अमित ठाकरे के मंत्री पद को लेकर MNS की ओर से प्रतिक्रिया भी आई है। बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में बीते कुछ दिनों में कई दिलचस्प घटनाक्रम घटे हैं। ज्यादा विधायक होने के बावजूद बीजेपी ने मुख्यमंत्री का पद एकनाथ शिंदे को दिया। पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस की जगह एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर सबको चौंका दिया था। अब जानकारी सामने आई है कि शिंदे फडणवीस सरकार के कैबिनेट विस्तार में जो है अमित ठाकरे को मौका मिल सकता है। हालांकि राज ठाकरे ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। बता दें कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में सियासी संकट के दौरान राज ठाकरे को फोन किया था। उसके बाद MNS ने बीजेपी को समर्थन दिया, इसीलिए इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि बीजेपी अपने कोटे से MNS को एक मंत्री पद देगी। जाहिर है MNS के इकलौते विधायक राजू पाटिल का नाम सबसे आगे था। हालांकि अब चर्चा है कि बीजेपी ने राज ठाकरे की पार्टी को नया ऑफर दिया है। ऑफर के मुताबिक शिंदे फडणवीस सरकार में अमित ठाकरे को मंत्री का पद मिल सकता है। हालांकि राज ठाकरे ने इस खबर को खारिज कर दिया है। अब ऐसे में आपको बता दें कि अमित ठाकरे और अगर मंत्री पद स्वीकार करते हैं तो उन्हें विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य भी बनना पड़ेगा। बीजेपी का अमित ठाकरे को मंत्री बनाने का दाव शिवसेना को चोट पहुंचाने के लिए हो सकता है, क्योंकि शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को शिवसेना की कमान संभालने के लिए तैयार किया गया है और अमित को कैबिनेट में लाने के कदम को आदित्य के लिए सीधी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। अमित और आदित्य दोनों को युवा नेताओं के रूप में पेश किया जा रहा है ताकि वो युवाओं को अपने खेमे में ला सके। एकनाथ शिंदे ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी उसके बाद राज ठाकरे ने उन्हें बधाई दी थी। राज ठाकरे ने ट्वीट किया था कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद का उत्तरदायित्व स्वीकार कर रहे हैं। इस बात का हमें आनंद है। यह सुअवसर प्रकरण क्या आपको दिया है सुध जो है कृतव्य और आप इसे जो है सिद्ध करें और ऐसी आशा है। सतर्क रहिए, सोच विचार का कदम उठाइए। पुनः आपका अभिनंदन। अब ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होगा इस बारे में कुछ भी निश्चित नहीं है। 2.5 साल पहले शिवसेना NCP और कांग्रेस ने मिलकर राज्य में महाविकास आघाड़ी सरकार बनाई थी। तीनों पार्टियों का एक साथ आना अप्रत्याशित था। गौरतलब है कि 2.5 साल में शिवसेना के वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे ने पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी और उनके 39 विधायकों को लेकर बीजेपी के हाथ मिला लिया। इसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मच गया। महाराष्ट्र में NCP, शिवसेना और कांग्रेस साथ मिलकर सरकार बन जो है चल रही थी, लेकिन सत्ता जाते ही कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने मुंबई नगर निगम के वार्ड ढांचे पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र भेजा। इस पत्र में उन्होंने शिवसेना की आलोचना की। उनकी आलोचना पर ध्यान देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने भी तुरंत ट्विटर पर इसका जवाब दिया और आश्वासन दिया कि वो इस संबंध में निर्णय लेंगे। तो क्या मुंबई नगर निगम चुनाव में शिवसेना के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस साथ आ सकती है? मिलिंद देवड़ा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने कहा कि शिवसेना द्वारा किया गया वार्ड निर्माण अधिकृत या अवैध है।
उन्होंने एक रिपोर्ट जारी, उसके अनुसार मिलिंद देवड़ा ने कहा कि मुंबई नगर निगम भारत का सबसे अमीर निगम है। मुंबई नगर निगम चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से हुए हैं। केवल एक पार्टी के लाभ के लिए मुंबई के वार्ड ढांचे को बदलना अनैतिक और असंवैधानिक है। इसीलिए मैंने एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा है। मिलिंद देवड़ा ने लोगों से एकजुट होकर नया वार्ड बनाने की अपील की। देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया, मुझे मिलिंद देवड़ा ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मुझे संबोधित करते हुए पत्र लिखा है। हमने आपकी भावनाओं पर ध्यान दिया है और निश्चित रूप से मुंबई वासियों और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के लिए आपकी चिंताओं को दूर करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। तो मुंबई नगर निगम के वार्ड ढांचे को लेकर कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा खुलकर शिवसेना की आलोचना कर रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने आरोप लगाया है कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो है इसने कई लोगों की भौहें चढ़ा दी है। क्या देवड़ा के बयान पर कांग्रेस और शिवसेना के बीच दरार आएगी, यह देखना महत्वपूर्ण होने जा रहा है। कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने आरोप लगाया कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे मुंबई नगर निगम में वार्ड ढांचे को देखते हुए कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वार्ड के ढांचे को रद्द करने की भी मांग की है। साथ ही उद्धव ठाकरे ने महाविकास के मोर्चे में आने के बावजूद राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन क्यों किया। देवड़ा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी उनसे इस बारे में पूछेगी। देवड़ा ने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान मुंबई के वार्ड संरचना के बारे में निर्णय लिया जाना था। कांग्रेस के इस वार्ड संरचना का मुद्दा उठाया था, हालांकि शिवसेना एक तरफा आगे बढ़ी, इसीलिए मैंने जो है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा। अब ऐसे में पत्र में ऐसा क्या लिखा है, एग्जैक्ट क्या बातें लिखी है, इसके बारे में भी हम जरा आपको पढ़ के बता देते हैं। पत्र में लिखा है, विषय मुंबई नगर निगम के वार्डो के पुनर्गठन और आरक्षण रद्द करने के संबंध में। इसके बाद नीचे महोदय करके एक एकनाथ शिंदे को संबोधित किया गया है। उन्होंने लिखा, आपके नेतृत्व को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने पर आपको हार्दिक बधाई, सफलता के लिए शुभकामनाएं। आपका नेतृत्व मुंबई और महाराष्ट्र को गौरवान्वित करेगा। उसके बाद उन्होंने लिखा, तत्कालीन राज्य सरकार ने ग्रेटर मुंबई नगर निगम के वार्डों का गठन किया। फरवरी 2022 में वार्ड गठन के विरोध में लगभग 800 पत्र प्राप्त हुए थे। इन पत्रों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। हालांकि अफसोस इस बात का है कि तत्कालीन राज्य सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मुंबई नगर निगम के वार्डों का पुनर्गठन और आरक्षण लागू किया गया, यह महसूस किया गया है कि इससे केवल एक पार्टी को फायदा होगा। 2017 में कांग्रेस पार्टी द्वारा जीत गई 3 जो है एमसी सीटों में से 20 सीटों को जानबूझकर गलत तरीके से पुनर्गठित किया गया था और परिणाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इस संबंध में एक उदाहरण देने के लिए विपक्ष के नेता रवि राजा के वार्ड का आरक्षण दिया जा सकता है, जो आपको भी जा रहा है। नतीजन ये प्रकार लोकतंत्र की छवि को खराब कर रहा है। इस तरह मई 2022 में लिंग संरचना के आधार पर आरक्षण के कारण कांग्रेस के 30 में से 21 पार्षद महिलाओं के लिए आरक्षित थे। इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस के कई पार्षद माननीय न्यायालय के अपील करने जा रहे हैं। पता चला है कि वार्ड पुनर्गठन की प्रक्रिया अपारदर्शी तरीके से की गई। वहीं सभी को लगता है कि लोकतंत्र के सिद्धांतों को रोदने से चुनाव पारदर्शी नहीं होंगे। वार्डों की संख्या 227 से बढ़कर 236 करने से पहले कई जनगणना करना आवश्यक था। हालांकि बीएमसी में वार्ड पुनर्गठन से 2019 की जनगणना भी अपेक्षा की है। आप ये भी मानेंगे कि इसने बहुत बड़ा अन्याय किया गया, अतः इस संदर्भ में मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप इस मामले को देखें और यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव की पूरी पूरी प्रक्रिया को करने की अनुमति प्रदान करें। ऐसे में साफ तौर पर पत्र लिखा गया, पत्र में क्या कंटेंट है वो भी हमने आपको बताया। तो एक तरफ महाराष्ट्र में जो है नाम निकल कर सामने आ रहा है कि मनसे में एक मंत्री पद दिया जा सकता है या दो मंत्री पद दिया जा सकता है। नाम आ रहा है किसका, मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बेटे का। अब ऐसे में राज ठाकरे ने कहा है कि खबर झूठी है, कोई इसे फैलाकर माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी साथ आ रही है, इसकी अटकलें लगनी शुरू हो गई है। वो भी जो है आपको बता दें, वो भी देवड़ा के एक पत्र से, जहां पर उन्होंने शिवसेना की यानी उद्धव ठाकरे गुट की आलोचना करते हुए बीजेपी जो अभी देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे है उनसे समर्थन मारा है। ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में क्या समीकरण बदलते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति दिन पर दिन दिलचस्प होती नजर आ रही है। हर पल समीकरण बदल रहे हैं, हर पल जो है मौसम के साथ राजनीतिक जो है बदलाव उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ आने वाले वक्त के साथ होगा, उससे हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बता दिया है कि क्या कुछ इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।